हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी करंट लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, मान लीजिए अभी आप राजस्थान में हैं और आप अपनी करंट लोकेशन को हरियाणा की लोकेशन में दिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगा कि कैसे आप अपनी करंट लोकेशन को किसी भी लोकेशन में सेट कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको बिना स्किप किए और अंत तक देखनी है, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। मैं सब स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आपको सिर्फ मेरी वीडियो को फॉलो करना है और आपको वीडियो अंत तक देखनी है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी न्यू टेक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपको एक GPS एमुलेटर के नाम से जो है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको आपके प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है GPS एमुलेटर। मैं GPS एमुलेटर यहाँ पर सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आइकन वाला एप्लीकेशन आपको आपके फ़ोन में इंस्टॉल करना है, और मैं इसको सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। बहुत ही कम MB का एप्लीकेशन है, आपको दिखा देता हूँ। मात्र 4.37 MB का एप्लीकेशन है, बहुत ही लाइट एप्लीकेशन है। और इसकी रेटिंग भी हम देख लेते हैं, 4.6 की इस एप्लीकेशन को रेटिंग मिली हुई है। 4.6 की इस एप्लीकेशन को रेटिंग मिली हुई है, बहुत ही लाइट एप्लीकेशन है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको जो मेरी करंट लोकेशन है वह यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना गूगल मैप ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं लाइव लोकेशन पर क्लिक करता हूँ और अपने माउस पिन को कुछ टाइम के लिए यहाँ पर टच किए हुए रखूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी करंट लोकेशन है, मेरा पिन कोड, मेरा जो कि स्टेट का नेम, नियर बाई मेरे गांव का नाम। तो दोस्तों यहां पर जो ये है मेरी करंट लोकेशन है, और अब मैं इस लोकेशन को आपको दिखाऊंगा बदल कर। फिलहाल मैं राजस्थान में हूं और मैं आपको हरियाणा की लोकेशन में लाइव लोकेशन कर दिखाऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों हमने एप्लीकेशन अपना जो है कि इंस्टॉल कर लिया है। इसमें आपको कुछ सेटिंग्स की परमिशन वगैरह देनी होगी, तो वे हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना है, आई एग्री कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको ये मैप वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये जो हमारा एप्लीकेशन है हमको नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप। आपके डेवलपर ऑप्शन में एक मॉक लोकेशन नाम की सेटिंग्स है, जो कि आपको उस पर क्लिक कर उसको अनेबल करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपनी सेटिंग्स के अंदर चला जाता हूँ। इस पर आप क्लिक करने के बाद आपको आपकी एप्लीकेशन सीधे ही आपके डेवलपर ऑप्शन वाली सेटिंग्स में ले जाएंगे। इस सेटिंग्स में आने के बाद आपको सबसे नीचे वाली सबसे लास्ट में आना है। सबसे लास्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट सेकंड सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप वाली सेटिंग पर क्लिक करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हमारा यहाँ पर जो एप्लीकेशन था GPS एमुलेटर यहाँ पर शो कर रहा है, तो इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। बस दोस्तों आपको सेटिंग्स में इतना ही काम करना होगा। इसके बाद दोस्तों वापस हम अपने गूगल मैप्स में चलते हैं। मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ और अपने गूगल मैप्स में एंटर कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको जिस लोकेशन में अपनी लाइव लोकेशन सेट करनी है वो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी हरियाणा की लोकेशन में अपनी लोकेशन को सेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हरियाणा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा का वो जो कि मैप मेरे सामने आ गया है। तो मैं कुछ टाइम हरियाणा के ऊपर टच किए हुए रखूँगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से शेयर पर क्लिक करूँगा, और इसके बाद आप यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे एंड थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GPS एमुलेटर के नाम से जो एप्लीकेशन शो कर रहा है, इस एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सीधा हमारे GPS एमुलेटर वाले एप्लीकेशन के अंदर हमको ले जाएगा, और उसके बाद आपको मैप वाले आइकन पे क्लिक करना है। वो परमिशन आपको यहाँ से देनी है,
मैं यहाँ से अपनी परमिशन दे देता हूँ और फिर से आपको एक बार अपने मैप वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है एंड यहाँ से आपको एक बार फिर से अलाउ करना है। बस दोस्तों आपको इसमें इतना ही करना होगा तो आप अभी देख पाएंगे कि आपके मैप में जो है कि हरियाणा वाली लाइव लोकेशन जो है कि सेट हो चुकी है। मैं बैक जाता हूँ, एक बार फिर से बैक आता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी गूगल मैप्स को फिर से एक बार ओपन करता हूँ। मैंने अपना जो है कि गूगल मैप्स ओपन कर लिया है और मैं अपनी लाइव लोकेशन पर क्लिक करूँगा। करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं फ़िलहाल मेरी जो लाइव लोकेशन है वो फ़िलहाल हरियाणा की है, जो कि हमने एमुलेटर GPS एमुलेटर के थ्रू सेट करी थी। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल वाजिद खान चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।